नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। ज्ञानवापी प्रकरण ने इस वक्त चारों ओर तूल पकड़ लिया है, हर ओर इसी विषय की चर्चा हो रही है। इसी बीच कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग मिलने के साथ साथ तमाम जो साक्ष्य मिले हैं उस पर भी सुनवाई चल रही है। आज सोमवती अमावस्या है और आज का दिन एक शुभ संयोग के रूप में माना जाता है। ऐसे में आज श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन व नंदी बाबा का अभिवाद करके सामूहिक शिव तांडव का पाठ करने के लिए शिव भक्तों का हुजूम बाबा के दरबार में गया। इस रिपोर्ट में देखिए। शिवलिंग मिलने के बाद से ही हिंदू पक्ष में खुशियों की लहर दौड़ गई है। वहीं लगभग 350 साल से बाबा की प्रतीक्षा कर रहे नंदी बाबा का इंतजार भी खत्म हुआ। ऐसे में आज श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन व नंदी बाबा का अभिवाद करके सामूहिक शिव तांडव का पाठ करने के लिए शिव भक्तों का हुजूम बाबा के दरबार में गया। उन्होंने नंदी महाराज को 51 किलो का माला पहनाया, साथ ही मस्जिद की ओर मुख करके शिव तांडव का पाठ करते हुए बाबा विश्वनाथ का हवन किया। इस दौरान पूरा परिसर हर हर महादेव और डमरू के ध्वनि से गूंज उठा। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष व अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह का क्या कहना है, देखिए। देखिए, ज्ञानवापी प्रकरण चल रहा है और वहाँ पर मंदिर के तमाम अवशेष मिल चुके हैं, जैसे चक्र मिला है, गदा मिला है, बाबा खुद वहाँ मिल चुके हैं। तो जो 350 वर्ष नंदी जी महाराज प्रतीक्षा किए हैं, उनके अभिवादन के लिए हम लोग जा रहे हैं। उनको 51 किलो का माला पहनाएंगे और मस्जिद की तरफ मुंह करके बाबा को का आवाहन करेंगे, शिवतांडव का पाठ करेंगे और उनको बुलाएंगे और जागृत करेंगे कि नहीं, जल्द से जल्द दीवार टूटे और नंदी और बाबा का जो कनेक्शन है वो जल्द से जल्द मिल सके। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष व अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह ने बताया कि सर्वे के दौरान तमाम अवशेष जैसे चक्र, गदा और बाबा खुद वहां मिल चुके हैं। तो नंदी महाराज का अभिवादन के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग उन्हें 51 किलो का माला पहनाएंगे और मस्जिद की ओर मुंह करके बाबा का आवाहन करेंगे, शिव तांडव का पाठ करेंगे और जागृत करेंगे कि नंदी व बाबा का कनेक्शन जल्द से जल्द हो सके। तो देखा आपने कैसे श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन व नंदी बाबा का अभिवाद करके सामूहिक शिव तांडव का पाठ करने के लिए शिव भक्तों का हुजूम बाबा के दरबार में गया और हर हर महादेव के जयकारे लगे। अब सबकी निगाहें 4 जुलाई पर टिकी हुई हैं, जब केस की अगली सुनवाई होगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।